हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट स्पेशल हेल्दी मूंग दाल चीला। इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, साथ ही साथ टेस्टी भी है। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की धुली हुई दाल 1 कप। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 मीडियम साइज की गाजर और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर और इसे भी हम कद्दूकस करेंगे। पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को चारों तरफ अच्छे से पैन में फैला लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, साथ ही बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भुन जाए तो इसमें डालेंगे 1 प्याज, जिसे कि मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। प्याज को भी हम 30-40 सेकंड्स के लिए हल्का सा भून लेंगे, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी ग्रेट की हुई गाजर। आप फीलिंग में सब्जियां अपनी पसंद से डाल सकते हैं। आप इसमें कैप्सिकम ले सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं या फिर मटर का भी यूज कर सकते हैं। गाजर हमारी हल्की सी भुन चुकी है, इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम डालेंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ पनीर। पैन अभी हमारा गरम है तो उसी में हमारा जो पनीर है हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी फिलिंग रेडी है तो बस इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हमारी दाल को भिगे हुए भी 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये फूल गई है। तो इसे अच्छे से धो लेंगे 3 से 4 बार रनिंग वाटर में, और धोने के बाद इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने ग्राइंडिंग जार में। इसका हमें पेस्ट बनाना है, साथ ही इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। चीले को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी। सूजी डालने से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, एकदम क्रिस्पी आपका चीला बनकर रेडी होता है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पर मैंने तवे को गरम कर लिया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसे एक नैपकिन से क्लीन कर लेंगे। अब एक करछी भरकर चीले के बैटर को लेंगे और तवे पर सर्कुलर मोशन में फैला लेंगे। चीला बनाने के लिए आप या तो कास्ट आयरन या फिर आयरन के तवे का यूज कीजिए, उससे चीला बहुत ही बढ़िया बनता है। नॉनस्टिक तवे पर चीले का टेक्सचर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं आता है। तो इस पर ऑयल लगा लिया है और इसे हम फ्लिप कर लेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आया है। हमारा चीला एकदम क्रिस्पी बना है तो इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो आपको कास्ट आयरन या फिर आयरन के तवे का यूज करना है और दूसरा जब आप इसे पीसेंगे ना तो आपको इसे फाइन पीसना है। तो बस जो हमने फीलिंग लगाई थी वो हम लगा लेंगे और इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे। तो एकदम मार्केट स्टाइल, हलवाई स्टाइल हमारा मूंग की दाल का चीला बनकर रेडी है। इसी तरह से हम बाकी सारे चीले भी बना लेंगे। लेकिन हर बार चीला बनाने से पहले आप तवे को ऑयल से ग्रीस कीजिए और उसे नैपकिन से क्लीन कीजिए, उससे आपका चीला बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरह से हम बाकी सारे चीले भी बना लेंगे। अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका चीला एकदम हलवाई जैसा क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। वीकेंड हो या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा खाने का मन हो तो फटाफट से इन मूंग की दाल के चीलों की रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। सर्व करेंगे इसे मीठी सौंठ की चटनी के साथ और मिंट की हरी चटनी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।